Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Before watching video, please don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon. Let's start the video. आज हम एक ग्लास पेंटिंग की वीडियो बनाने वाले हैं। तो अगर आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता हो और आप भी ग्लास पेंटिंग करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद रहेगी। तो इसको एंड तक देखना मत भूलिएगा। सो ग्लास पेंटिंग के लिए आपको लगेगा एक्रेलिक कलर्स और ग्लास पेंट ब्रश। और ये कार्डबोर्ड मैंने लिया है जिस पे मैं ग्लास को रखूँगी, एक मोटा सा कार्डबोर्ड। पहली पेंटिंग करते हो या फिर पहली बार कर रहे हो तो आपको ये चीज़ जान लेनी बहुत ज़रूरी है कि ग्लास पेंटिंग की जो टेक्निक है वो रेगुलर पेंटिंग से थोड़ी अलग होती है। सो पहले हम ग्लास को कैसे इस्तेमाल करें वो देख लेंगे, फिर हम आगे फिर से ये चीज़ डिस्कस करेंगे। तो मैंने पहले एक वाइट बैकग्राउंड लिया है जिस पे मैंने अपना ग्लास रखा है। वाइट बैकग्राउंड इसलिए कि आप को दिख सके कि आप उस पर जो कुछ भी पेंट कर रहे हैं वो आपको समझ आए। और अब हमें वो ग्लास को चिपका देना है जिसके सो दैट कि वो ग्लास मूव ना करे, हिले नहीं। अभी हमने ऑलमोस्ट सभी चीज़ें इकट्ठा कर ली है जैसे कि कलर्स, ब्रश। तो अब हम पेंट करना शुरू कर देंगे। सो मैंने तो ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया है, जैसे कि आप स्टार्ट में आपने देखा ही है मैंने लीव्स ड्रॉ किए हैं, इसलिए हमें पहले ग्रीन कलर लगेगा। ग्रीन के ही बहुत सारे शेड लगने वाले हैं तो पहले मैं एक ग्रीन कलर पैलेट में निकाल लूँगी। अगर आपके पास सभी शेड्स ग्रीन के रेडीमेड हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम बनाना भी सीखने वाले हैं उसको, ग्रीन कलर को डार्क ग्रीन बनाना या फिर लाइट ग्रीन बनाना, ये भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। मुझे पर्सनली कलर तैयार करना बहुत अच्छा लगता है, सो इसलिए मैं हमेशा यही फॉलो करती हूँ। मैं एक दो तीन बेसिक कलर्स लेके आती हूँ और उससे शेड्स तैयार करती हूँ। जैसे कि वीडियो में आप देख सकते हैं मैंने वाइट कलर लिया है, अभी मैं येलो ले रही हूँ, थोड़ी देर बाद हम ब्लैक भी इस्तेमाल करने वाले हैं। पेंटिंग स्टार्ट करने से पहले हम फिर से ये जान लेंगे कि क्या डिफरेंस है नॉर्मल पेपर पे ड्रॉ करना और ग्लास पे ड्रॉ करना। तो देखिए मेन डिफरेंस तो ये है कि हमें, जैसे कि नॉर्मल पेपर पे हम सबसे पहले डार्क बैकग्राउंड ड्रॉ करते हैं, फिर उस पर लाइट चीज़ें जो है वो ड्रॉ करते जाते हैं, पेंट करते जाते हैं। बट जब हम ग्लास पे कोई पेंटिंग बना रहे हो तो हम एग्जैक्टली अपोजिट प्रोसीजर फॉलो करते हैं। हम सबसे पहले लाइट कलर से स्टार्ट करते हैं, जो सबसे लाइट कलर है वो सबसे पहले आएगा। कलर्स पर एक बार ध्यान देंगे, जैसे आप देख सकते हो मैंने ग्रीन, वाइट और येलो थोड़ा थोड़ा मिक्स किया है और उसे एक बहुत ही लाइट ग्रीन कलर से मैंने लीव्स ड्रॉ किए हैं, इसको हम ट्री वाइंस बोलते हैं, वो मैंने ड्रॉ किया है। ऐसे ही सेम टाइप का जो ड्राइंग है मैंने मेरे स्केचबुक में ड्रॉ किया था, बट जैसे कि वो पेपर है तो उसका प्रोसीजर अलग, इसका प्रोसीजर अलग। तो यहाँ पे अब हम लाइट कलर से ड्रॉ कर लेंगे। ये पूरा होने तक मैंने देखा नहीं है, ये मेरा फर्स्ट टाइम, मेरा भी फर्स्ट टाइम है ग्लास पे ऐसे ड्रॉ करने का या फिर पेंट करने का। तो मुझे बार बार मन होता है कि जाके देख लूँ कैसे हम जो हमारा पेपर वाला ड्राइंग होता है वो हम देख पाते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है। बट ये चीज़ जो है ये हम इस साइड से ड्रॉ करने वाले हैं और जो हमारा फाइनल ड्राइंग रहेगा वो एक्चुअली ग्लास के दूसरे साइड पे दिखने वाला है। तो वो बहुत ही ज़्यादा एक क्यूरियोसिटी है कि कैसा लगेगा, कैसा रहेगा। होपफुली, चलो देखते हैं आगे की प्रोसीजर। अब हमें यहाँ पे बहुत सारे पत्ते और वाइंस ड्रॉ कर लेनी है पूरे ग्लास पे और उसको डार्क करना है
हो सके तो नहीं, मतलब पानी का इस्तेमाल जितना ना करो उतना ही बेहतर है। लाइट कलर के बहुत सारे पत्ते और वाइन्स बनाने के बाद हम थोड़े से रेड कलर के फूल, वाइट कलर के फूल और रेड डॉट्स बनाएंगे, जो कि सबसे ऊपर दिखने वाला है हमारे ड्राइंग में, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में। मैंने अभी जो पहला वाला शेड था लाइट ग्रीन, बहुत लाइट ग्रीन, उससे थोड़ा सा ही डार्क, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा ही डार्क शेड अभी यूज़ कर रहे हैं हम। डायरेक्टली ग्रीन कलर जो मेरे पास था उसमें थोड़ा वाइट और येलो, थोड़ा ये है। और जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पहला वाला जो ड्राइंग है उसको पहले सूखने देना है, ठीक है। उसको सूखने देने के बाद उस पर हम ये जो हमारा न्यू ड्राइंग है वो ओवरलैप होने वाला है। यही टेक्निक होती है ग्लास पेंटिंग करने की, जिसमें पहले सबसे लाइट शेड आएगा, फिर उस पर थोड़ा डार्क, जैसे कि हम देख रहे हैं उस पर अभी डार्क कलर से पूरे पत्तों से भर देंगे हम ऑलमोस्ट, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में हम शेड और डार्क करते जाएंगे। अभी थोड़ा ग्रीन है, थोड़ी देर और थोड़ा सा डार्क करेंगे, फिर और थोड़ा डार्क करेंगे, मतलब उसमें थोड़ा ब्लैक ऐड करते जाएंगे हम। अगर आपके पास ऑलिव ग्रीन कलर का शेड मौजूद है, मतलब हो आपके पास रेडी, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। ऑलिव ग्रीन कलर के पत्ते तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देते हैं। ध्यान रखना है कि आप पहला कलर जो है वो सूखने दे। क्या होता है गलती से, मतलब मेरे से ये गलती एक बार हुई है कि हम कभी कभी ध्यान नहीं देते, हमें लगता है कि वो कलर सूख चुका है और हम ऊपर से गीला ब्रश यूज़ करते तो कभी कभी वो पहला जो कलर है वो हट जाता है और उसके ऊपर, तो फिर मतलब वो मर्ज हो जाता है, पहला जो पेंट है और ऊपर का जो पेंट है, फिर वो अच्छा नहीं दिखेगा सामने से। ऊपर से हमें वो चीज़ हुई है ये समझ में नहीं आएगा, हमें कहीं भी वो नज़र नहीं आएगा कि वो कलर मर्ज हुए हैं, पर जब हम अपना जो ग्लास है वो उल्टा करके देखेंगे तब शायद ये चीज़ हमको नोटिस हो सकती है। तो ये ध्यान रखना है कि जो पहला पेंट है वो आप पूरी तरह सूखने दें और फिर के बाद उसके बाद आप उस पर डार्क कलर से पेंट करें। और इसीलिए मैं बता रही थी कि गीला ब्रश इसी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। जब हम गीला ब्रश यूज़ करते हैं तभी भी ये चीज़ होती है कि वो जो गीला ब्रश है वो पहले वाले पेंट को हटा देता है, इसलिए पानी का इस्तेमाल बहुत कम करना है। डायरेक्टली कलर यूज़ करने हैं बॉटल में से, एज इट इज़ एक्रेलिक कलर। अभी मैंने शेड पहले से और भी थोड़ा डार्क किया है, आप देख सकते हैं, और ऊपर से ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि यार ये कैसा दिख रहा है, ऊपर से तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है, मतलब सभी पत्ते सभी कलर एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहे हैं। थोड़ी देर में आप ये भी नहीं समझ पाओगे कि पहला वाला डिज़ाइन पूरा पूरी तरह ढक जाएगा, आप दिख नहीं पाओगे उसको। फिर भी ये करते रहना है क्योंकि उसका जो इफ़ेक्ट है वो आपको लास्ट में दिखेगा, जब आप पूरी पेंटिंग कंप्लीट होने के बाद उसको देखोगे। पैलेट में भी आपको ध्यान देना है, मतलब आप देख सकते हो मैंने थोड़ा सा ब्लैक कलर लेके ग्रीन से डार्क ग्रीन शेड कैसे बनाई है, थोड़ा सा ग्रीन, थोड़ा सा ब्लैक, अगर बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गया तो उसमें थोड़ा सा ग्रीन और ऐड कर देना है, और आपको ही नोटिस करना है कि वो शेड कितना डार्क हुआ है कितना नहीं। पेंटिंग की प्रोसेस ऑलमोस्ट 1 या 2 घंटे तक चलेगी, इसलिए आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि मैंने ये ग्लास टेप से क्यों चिपकाए रखी, क्योंकि कोई मतलब यही नहीं है कि इतने देर तक ये ग्लास एक जगह पे नहीं, मतलब टिकेगी ही नहीं, इसलिए उसको चिपकाना ज़रूरी है। और अच्छा हुआ कि हमने नीचे वाइट कलर का बैकग्राउंड लिया है, इससे हम अच्छे से देख पा रहे हैं कि वो ग्रीन कलर कैसा दिख रहा है। टेप चिपकाने का एक और भी ये है कि हमको मार्जिन मिल जाती है, चारों साइड से मार्जिन मिल जाती है, सो दैट हमारा जो ड्राइंग है वो अच्छा दिखेगा, मतलब ऐसे ढंग से रिप्रेजेंट किया है ऐसे दिखेगा। इस तरह की ग्लासेस आपको कोई भी किसी भी ग्लास शॉप या फिर मे बी स्टेशनरी में भी मिल जाती है आजकल,
मिल जाएगी, फाइबर की होती है स्टेशनरी में जो होती है वो, तो और भी अच्छी है, क्योंकि अच्छा है कि सेफ्टी पर्पस से लो। और नेक्स्ट स्टेप, और थोड़े डार्क ग्रीन, ऑलमोस्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा डार्क ग्रीन कलर के पत्ते अभी स्टार्ट कर दिए हैं, और आप देख भी सकते हो बहुत ही कम जगह बची होगी जिसमें आपको वाइट कलर नज़र आ रहा होगा नीचे से, वो भी हमें पूरी तरह ढक देना है। मतलब एक भी वाइट स्पेस हमें दिखनी नहीं चाहिए, ऊपर से पूरी ढक देनी है, और पहले वाला जो ड्राइंग है उसको भी पूरा ढक, मतलब जितना पॉसिबल हो उतना ढक देना है। मेरी वाली जो क्लास है वो तो पूरी तरह बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट है, मतलब मेरे पास पुरानी बहुत सारी फोटो फ्रेम थी जो मतलब टूट चुकी थी, कुछ ख़राब हो गई थी, तो मैंने उसके ग्लासेस रीयूज़ के लिए निकाले और फ्रेम रख दिया, मतलब फेंक दिया। तो उसकी जो ग्लास है वो मैंने यूज़ किया है कि चलो चलते हैं ड्राइंग बना के देखते हैं। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे मेरी ड्राइंग ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, सिर्फ बॉर्डर से वाइट स्पेस नज़र आ रही होगी, बीच में पूरा कलर से भर चुका है, पूरा डार्क ग्रीन कलर हो चुका है। अब हम लास्ट में हम इस पे थोड़ा थोड़ा डार्क ब्लू कलर जो है वो था मेरे पास रेडी, एक्चुअली वो डार्क ब्लू भी नहीं है, एक्वा है पूरा पानी की तरह, पर बहुत ज़्यादा डार्क, तो वो कलर हम पहले करेंगे, वो उस कलर से ढक देंगे, सो हमारा जो है ड्राइंग वो ऐसे मतलब लगेगा जो ये लीव्स है वो पानी पे हो ऐसे लगेगा, जैसे पॉन्ड में जो ट्री वाइन्स होते हैं वैसे। ब्लू कलर से पूरा ढक देना है, उसका हो जाने के बाद हमें ब्लैक कलर से कलर करना है। ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे, जब हम ग्लास में पूरा यूज़ किया हुआ ब्रश जब डालते हैं तब बहुत अच्छी सी शेड दिखती है। सबसे लास्ट स्टेप हमारा अब ब्लैक कलर से सब ढक देना है। चलो देखते हैं अभी ये सूखा कि नहीं, चलो ये सूख गया है। अब हम धीरे धीरे इसकी टेप जो है वो रिमूव करेंगे। बहुत ज़्यादा ऐसी क्यूरियोसिटी है कि कैसा दिख रहा होगा, जैसे कि हमने पूरी प्रोसेस में एक ही बार भी पलट के नहीं देखा है कि क्या दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, तो फिर ये सरप्राइज होगा हमारे लिए भी कि कैसा दिखने वाला है हमारा ड्राइंग। चलो लेट्स होप कि अच्छा ही हो। अभी पूरी टेप रिमूव करके हो चुकी है, अभी ये पलटना है। चलो अभी इसको पलट के देखते हैं। वाओ, ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रही है, मतलब मेरे होप से भी ज़्यादा, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था कि जो दिखेगा उससे भी कुछ थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा ये लग रहा है। तो चलो आप भी ये ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, और आपकी जो ड्राइंग है मुझे इंस्टा पे भी आप शेयर कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।